हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो स्कूल बंद करने की बात की जा रही है उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूं। और इस समय मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, और ये 4 नवंबर को जो सर्कुलर इशू हुआ है ना डीओई की तरफ से, उसमें बता दिया गया है कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं, यानी कि जो पहली से लेकर पाँचवीं तक की जितने बच्चे हैं, नर्सरी के जी भी इसमें इंक्लूड होंगे। और क्योंकि एक क्या वो आई लेवल जो है वो 450 तक की कैटेगरी में आ गया है, इसलिए फैसला लिया गया कि स्कूल जो है इन बच्चों के बंद करे जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना, ये बोला गया कि 8 नवंबर तक बंद रहेंगे, ठीक है। कि जो पाँचवीं से बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में अभी ये नहीं आया कि उनके स्कूल बंद होंगे, उनके स्कूल अभी चलेंगे, ठीक है। और देखो, पाँचवीं तक के स्कूल की तो बच्चों की अब छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं ना, 6 से लेकर 12th क्लास के जितने बच्चे हैं, तो उनको बोला गया कि आपको मास्क जो है वो पहन के रखना है, और जितने भी स्कूल के अंदर जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना वो नहीं करवाई जाएंगी, मतलब रूम के अंदर ही आपको रहना होगा स्कूल के अंदर। तो इससे क्लियर हो गया कि आप सबको सैटरडे को स्कूल जाना है, आपकी छुट्टी नहीं है, जो बच्चे 6 से लेकर 12th क्लास के हैं। और जो 5वीं तक के क्लास के बच्चे हैं उनको 8 नवंबर तक स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की हो या प्राइवेट स्कूल की हो, ठीक है। 5वीं तक के स्कूल के बच्चों को स्कूल नहीं जाना, कंफर्म नोटिस सर्कुलर इशू हो गया है। बस यही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर डियर स्टूडेंट्स।